जी डॉक्टर फारूक असनाद, मुझे आपसे एक बड़ा अहम सवाल करना है। मुझे ये बताएं, जो आरओस के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड अभी तक कंटिन्यू है, क्या ये भी नहीं बता रहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उनको बुरा बनाया गया है इंटरफेरेंस के बाद, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया है उस प्रेशर को और अभी तक वो डटे हुए हैं। और जाहिर पता, हर कोई एक ही तरह से प्रेशर तो नहीं ले सकता, तो आपको नहीं लगता कि ये तो फिर सारे इदारों के ऊपर भी एक सवाल आ रहा है? कोशिश तो वो कर रहे हैं कि वो इसको निगेट कर सकें और इसको प्रेशर को रोक सकें, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, सीधी सी बात ये है कि एक सरकारी महकमे ने तमाम इदारों को होस्टेज बना लिया, और वो होस्टेज बनाने के चक्कर में वो उनको ख़त्म भी कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी तबाह कर रहे हैं, और आवाम को लड़ा रहे हैं इनसे। हाँ, इनसे लड़ा रहे हैं, और खुद भी ये बीच में सकिन हो गए हैं, तो इनको खुद सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और इनके साथ मिसालें भी हैं जो यहाँ मेरे ख्याल मुझे नहीं कहनी चाहिए, हम बार बार मिसालें भी हैं कि जिस तरह पहले ये हुआ तो फिर उसके बाद उसका हशर क्या हुआ। अब भी बाज आ जाएं, बाज आ जाएं, तो ये मुल्क को किसी तरीके से ये बच सकता है, नहीं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बुरा हाल होगा। जी।